नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे CET क्वालिफाई को लेकर, जो एक बहुत बड़ी अपडेट मैं इसको कह सकता हूँ या बहुत बड़ा मौका आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं कह सकता हूँ, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी SSC HPSC से जुड़ी कोई भी समस्याएँ हैं, रोज़गार को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी आपकी समस्याएँ हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पर है। डिटेल से बात करेंगे, इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देख सकते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए साथियों, CET क्वालिफाई को लेकर लगभग पिछले, मैं कह सकता हूँ, 7-8 महीने से कैंडिडेट ने मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने लगभग हर एक DC को भी ज्ञापन दिए, जो आपके विधायक हैं, जो विधानसभा में पहुँचे हुए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनको भी ज्ञापन दिए। मुख्यमंत्री तक भी उन्होंने अपनी मांग पहुंचाई सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। हर बार उनको ये कहा गया कि भाई इस पर विचार चल रहा है, मामला संज्ञान में है, या फिर उनको ये कहा गया कि भाई ये कोई आपकी मांग जायज़ नहीं है। दूसरा, माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसकी जो है हियरिंग हो रही है, या फिर इस पर सुनवाइयाँ लगातार चल रही हैं, और माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इसमें क्या निर्णय देगा उस आने वाला समय ही बताएगा। उसकी हियरिंग अगली कब और क्या उसमें चल रहा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो रखेंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो अगले एक साल तक फील्ड में रहेंगे। अभी जो BJP और JJP की जो सरकार बनी हुई है, अक्टूबर 2024 तक का उसका कार्यकाल, लगभग 1.25 साल का ही टाइम सरकार के पास बचता है, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निर्णय लिया कि मिशन 2024 के तहत वो अगले एक साल फील्ड में ही रहेंगे। तो जिसकी जो भी समस्या है वो फील्ड में ही सुनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सुबह की चाय, दोपहर का भोजन और रात का खाना गांव में ही। तो जो साथी लगातार CET क्वालिफाई कराने को लेकर मांग कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट ने निर्णय किया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जहां जहां जिस जिस जिले में प्रोग्राम रहेगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से उनसे मिलेंगे और अपनी मांग इसमें रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 अप्रैल को भिवानी जिले के खरक गाँव में, तो भिवानी जिले के जो भी कैंडिडेट हैं जिनका CET क्वालिफाई हो रखा है, खरक कला गाँव में 2 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम रहेगा। उसके आसपास के गाँव के, आसपास के जिले के कैंडिडेट वहाँ मिल सकते हैं, अपना ज्ञापन दे सकते हैं, उनकी मांग रख सकते हैं। तो 2 अप्रैल को वो भिवानी जिले के खरक कला गाँव, कलिंगा और चांग गाँव में पहुँचेंगे। रात्रि ठहराव भवानी खेड़ा गाँव में होगा। मुख्यमंत्री 3 अप्रैल को धनाना, बलाली, बापोड़ा, दिनोदा गाँव में जनसंवाद करेंगे और तोसा में रात्रि ठहराव होगा। अगले दिन 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री संधवा, कैरू और अन्य गाँव में रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। रात्रि ठहराव भिवानी में होगा। मुख्यमंत्री अगले दिन 5 अप्रैल को कई गाँव में जनसंवाद करने के बाद शाम को चंडीगढ़ लौटेंगे। अभी तक जो कार्यक्रम बनाया गया है उसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह चाय, दोपहर का भोजन और रात का खाना गाँव में ही करेंगे। इस फील्ड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जहाँ ग्रामीणों के साथ सीधे बातचीत करेंगे, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। अब जो BJP सरकार है या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उनका ये कहना कि भाई ये जो जनसंवाद रैली इसको कह सकते हैं, इससे या जनसंवाद जो कार्यक्रम, इससे एंटी जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो कम होगा। कुछ ऐसे निर्णय रहे हैं पिछले 9 साल में सरकार के, चाहे वो JJP के साथ मिलकर हो या फिर उनकी खुद की सरकार होगी, जिनसे ग्रामीणों में नाराजगी है। इस फैक्टर को वो कम करना चाहेंगे, लोगों की नाराजगी को कम करना चाहेंगे, इसलिए वो फील्ड में रहकर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी CET क्वालिफाई को लेकर। बाकी आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।